धामदेव मंडल जिनके सुपुत्र है उनके द्वारा सारा खर्च वहन किया जाएगा। इसी बीच ये दो हैदराबाद को फिर से रैन जरूर आती है फिलहाल बना मेरे और ये गेंद है जरूर क्या वहां जाए जब तक कि गेंदबाज और पटेल जी के द्वारा वो सारा का सारा खर्च वहन किया जाएगा। आगे बैठे निकले हर गेंद को घुमा के खेला है तो लीजिए इस बार भी उठाया जरूर है गेंद चली गई थर्ड मैन एरिया में चार रनों के लिए लगभग बरसात ही कर दिया है छक्के और चौके अजीत भाई उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है 100 का आंकड़ा भी पूरा किया टोटल स्कोर 108 रन कहीं न कहीं जो दबाव है वो पुनः मिडल स्कोर ने डाल दिया है यहां बसेटी के ऊपर कैच तो उन्होंने फिलहाल चले सानू मुन्ना मंडिस के लिए और लपेट कर फिर से खेलने की कोशिश है कि जब आप 8 ओवर की स्पेल में दो दो बड़े कैच छोड़ देते हैं बड़े खिलाड़ी का तो बल्लेबाज हावी आपके ऊपर होगा ही। मुन्ना मेंडिस वापस आ रहे हैं और कह सकते हैं कि जो आग इन्होंने लगाई थी उनको खुद ही पेट्रोल से बुझा दिया। जी हाँ विक्रम ये हिट विकेट की कैप्टन भास्कर जा रहे हैं बल्लेबाजी का जिम्मा उठाने के लिए और उनकी टीम जो है बहुत मजबूत स्थिति कहा जाए बहुत मजबूत स्थिति तक भी 8 ओवर का खेल नमाम समाप्त हुआ है और आपका स्कोर बोर्ड पे 108 या 110 सबसे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा था। फिलहाल चले यहाँ भास्कर के लिए भास्कर ने पहले गेंद को उठा के खेला है यहाँ जो रन गति की मैं बात कर रहा वित्तीय गिरे पर रन गति उतना ही रहेगा और ड्राइव करने की कोशिश फिर से यहाँ 114 रन 3 विकेट खोया है चाहिए बसुटी को अंकुश जरूर लगाए लेकिन मैं तब तक बता दूं उन दाताओं को और कल का मैच जो होने वाला है बतनाहा के बर्थ में देख रहा हूं कि आए हैं आनंद और नीचे बॉलर बैक टू द ड्राइव यहाँ खेलने की कोशिश और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन कितना खेला है हालांकि बाद में बताऊंगा फिलहाल गेंदबाज चले राजा के लिए और लीजिए फिर से राजा ने खेला है काउंटर बॉक्स से ऊपर 6 रनों के लिए इन्होंने और इस बार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे और साथ में 12 गेंदों पर अर्धशतक और इस बार था आपको जी हाँ विक्रम तो ये अच्छी बात नहीं है और इस बार देखिए गेंद को खेला सीधे गली क्षेत्र में 4 रनों के लिए कोई भी बाउंड्री अतुल का जो काम है वो पूरा करता हुआ यहाँ राजा और इस बार आगे बढ़ती के रन बनाए फिलहाल चले गेंदबाज और फिर से बॉलर के कोई भी मौका देने में वो असफल रहे गेंद चले गई लॉन्ग और बड़ी क्या करे गेंदबाज कहां डाले कैसे करे और फिर से लपेटने की कोशिश हालांकि वापस इससे काफी भटक जाते हैं। फिलहाल आनंद चले बल्लेबाज राजा के लिए ये गेंद इस बार तो अभी तक 10 ओवर की खेल यहाँ पर जरूर हुआ है तो 10 ओवर में एनडीसी के कार्यकर्ता से निवेदन कम से कम एक बोतल पानी कंप्लीट रूप से भेज दें। शानू आए हैं जी हाँ ये बॉल इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट क्षेत्र में सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाज जबकि 11वां ओवर इस समय प्रगति पर एक बार फिर भास्कर के लिए ये गेंद इस बार गेंद को छोटा शॉट दिन के ठीक 11 बजे से होगा फुल टॉस गेंद को घुमा के खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को वहां से फिर जरूर कर ली गई लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। सानू चले ये बॉल इस बार सानू ने गेंद को खेल दिया गेंद और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के एमसीसी फॉरबिसगंज सानू और एक बार फिर यहां पर खेला है लगन के क्षेत्र में गेंद को जब तक यहां से फील्ड की जाती समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन। शानो अब क्षमा करेंगे भास्कर
ये गेंद इस बार भास्कर ने खेला है मिड विकेट सीमा रेखा से ऊपर। जी हाँ, एक तो होता नहीं, बॉलर नहीं थे इसके पहले आकर के वो खेल रहे हैं। दिलचस्प बात है, 11 छक्का और लीजिए, ये 12वां छक्का लगेगा और लगेगा। रोकने में अभी तक असफल जरूर है राजा को कोई भी गेंदबाज। और लीजिए फिर से उसी दिशा में लॉन्ग ऑफ से बाहर 6 रन, 13वां छक्का। तो अतुल का स्थान जो रिक्त हुआ था, लीजिए फिर से यह तीसरा छक्का इस ओवर में 90 पे जा पहुंचा, सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता है। इसी बीच फिर से चले शुरू, तो राजा ने फिर से बॉलर बैक टू द ड्राइव खेला। यहाँ दो खिलाड़ी जरूर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करे एक रन जरूर आ जाते हैं। प्रकार से अटैकिंग दोनों छोर से हो रही है। और ये देखिए भास्कर गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जब तक गेंद को यहाँ से जाहिर के द्वारा फील्ड की जाती समय था दोनों। फिर से चले तो लीजिए राजा ने फिर से उठा के खेला है 6 रनों के लिए। 97 पे जा पहुंचा, क्या बल्लेबाजी का हो, काफी मजबूत है फिलहाल जाहिर चले। और 8 ओवर अभी भी बाकी है और ये भास्कर ने गेंद को खेला स्लिप मिडल के क्षेत्र में गेंद को, और 9 गेंद का इशारा यहाँ पर लाइट आर्म ओवर का। और लीजिए फ्री हिट का फायदा, मात्र 1 रन से उठाया, ड्राइव जरूर किया, हालांकि डीप खिलाड़ी शतक के आसपास हो उसे ही मौका दिया जाता, वही उन्होंने किया भी। और लीजिए इस बार फिर उनसे खेला उसी दिशा में, गेंद जारी अच्छा डीप अच्छा कवर के क्षेत्र में। तो इसी रन के साथ राजा पहुंचे, देर से वो क्रीज पे है, काफी खुश होंगे वो। और ये बड़े अनमने ढंग से खेला, गेंद को ड्राइव जरूर किया वहां विकेट कीपर क्या राजा। और लीजिए इस बार ड्राइव किया जरूर अच्छा कवर के क्षेत्र में, गेंद जा रही है जब तक गेंद फील्ड करे तब तक 1 रन। तो मैं बता रहा था क्या इस ओवर में, यही इस ओवर में जाहिद चले और लीजिए यहां लगता है एक मौका दिया और सफल रहा यहां, तो यहां विजय जाहिद की हुई। हार तो वो हुआ, हालांकि मन के हारे जरूर वो हार गए होंगे राजा, लेकिन कारनामा करके गए मात्र 2 रन से अपने शतक से पीछे रहे। तो एक मेहताब आए हैं हालांकि उनका स्थान लेने, और नीचे मेहता आते ही बॉलर बैक टू द ड्राइव खेला, 2 खिलाड़ी मौजूद यहाँ, किसी से भी गेंद रुकबंद लगाने में वो कामयाबी हासिल की फिलहाल भास्कर। और भास्कर ने उसे खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। आज ये भी है भास्कर का निजी स्कोर में पूछना चाहूंगा सेटिस्फेक्शन से। और नीचे भास्कर ने अपने बल्ले का मुंह खोला और खेल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑफ और डिलन से बाहर 4 रनों के लिए। 33 रन की निजी स्कोर पे खेलता हुआ और फिर से ड्राइव किया, हालांकि स्क्वायर लेग के थोड़ी सी बगल से गेंद जा रही है वहां, जब तक कि गेंद को फील्ड किए 1 रन जरूर बना वो मेंटेन करके रखा है, विकेट गिरी उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ये देखिए माता लवन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए जो भी बल्ले रूम ना दे महताब खास करके। और लीजिए इस बार पैर में गेंद 8 रन बना है और इसी बीच गेंद और एक्स्ट्रा कवर नहीं बल्कि पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए खेल दिए वहां महताब। जैसे देखा गेंद ऑफ से थोड़ी सी ऊपर उठी और वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, सिर्फ टपा दिए 30 गज के यार्ड को और गेंद चले गई पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टोटल स्कोर में इजाफा होता हुआ 212 और टोटल 14 ओवर हुआ है। अजीत भाई ये 14 ओवर में 212 रन का जो लक्ष्य है क्या लगता है अगर पूरा का 20 तो जाहिद आए हैं एक बार फिर सामना करेंगे भास्कर। ये देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर वक्त चुका दिया उनका। जी हाँ देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी, इसे कहते हैं गेंद स्विंग हो आप कटर हो जो भी गेंदबाज। और देखिए यहाँ पर गेंद हवा में गेंद नीचे खिलाड़ी गेंदबाजी कमर तोड़ किस प्रकार बल्लेबाज फंसेगा, किस गेंद पर बल्लेबाज फंसेगा वो गेंद डालने में सक्षम है। लीग मैच में जब इसे मैंने तो मैच में दे रहा था, मैं उसमें पूछा था क्या जाहिद जी इसका एक गुण रहस्य बता कि आपने जो शतक मारा और गेंदबाजी तो इधर बताया तो कुछ देर सारी है दिख रहा हूं। और अब आए हैं और देखिए तो फिलहाल जाहिद और लीजिए इस बार भी खेला जरूर वहां 2 खिलाड़ी मौजूद है, उतनी ही अच्छी फील्डिंग आप इसे कहते हैं गेंद। रोहित सिंह अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं
उस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद को जब तक फील की जाती यहाँ से समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, उन्होंने आगे का वाला था और सबसे सफल गेंदबाज सबसे सफल ओवर भी रहा है। जी हाँ विक्रम, तो इस ओवर को हालांकि पहले लाना चाहिए था रोनित सिंह के सामने और लीजिए रोनित सिंह ने लपेट स्पीड में गेंद कमी डालो पर लेंथ सही डालो और लीजिए उठा कर खेला है रोनित सिंह ने और गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए दर्शक दिखा में। वर्तमान एनडीसी का सदस्य द्वारा उठाया जा रहा है इसी बीच गेंदबाज और लीजिए लपेट वो अनमने कम से कम एक तो वाइट जाए है और लीजिए सफल रहा है और यहां थोड़ी सी असफलता मौका जरूर मिला था यहां और लीजिए यहां भी मौका है खिलाड़ी दौर पर है विकेट का पतन जरूर होता हुआ। जी हां रोनित सिंह वापस आता हुआ एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेले इसके पहले भी ड्रॉप जरूर हुआ था कैच लेकिन इस बार सफलतापूर्वक कैच पकड़ लिया गया लेकिन सफलता तो अब लगता है आधा टीम वापस आ चुका अंततः सफल रहे गेंदबाज विकेट लेने में और महताब ने भी खेला है वहां गेंद जा रही है सेम उसी दिशा में जहां कैच लपका गया था जब तक कि गेंद को फील्ड करे लगे मेरे व्यवस्थापक राजमान आप ही देखिए एक गेंद लेके आइए महताब और महताब ने लपेटने की कोशिश जरूर की थी यहाँ हालांकि ही चले महताब के राउंड के लिए वहां लपेट कर खेलने की कोशिश गेंद जा रही है 6 रनों के लिए बगैर किसी राहुल को और नीचे फिर से हेलीकॉप्टर शॉट खेलेंगे लेकिन नई तकनीक ये देखिए और यहां भी कट करने की कोशिश तो नहीं बल्कि चलिए फिर से खेला गया यह शॉट जब तक गेंदबाज फील्डर फील्ड करे गेंदबाज तक ये महताब सामना करेंगे जाहिद का जाहिद छोटा सा रन फुट का जरूर और जरूर खेला गया यह शॉट जब तक कि विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर मिड विकेट क्षेत्र में रखा था और लीजिए बार बार उसी दिशा में शॉट खेल रहे हैं राहुल इस बार सुरक्षित फील्ड कर ली गई पुनः एक रन की इजाफा जरूर होता हुआ का नाम जरा बता दें फिलहाल चले राहुल लपेट की गेंद की कोशिश लेकिन गेंद को छोड़ सामने होंगे होंगे राहुल कर दिक्कत भर रहा है पैर लाइन पे राहुल और फुल टॉस गेंद को खेला है यहां पर गेंद हवा में जरूर रुके पीछे खिलाड़ी जरूर तोड़ दे और यहां पर सफलता नहीं मिली तब्दील कीजिए फिलहाल नहीं चले राहुल के लिए इस बार खेला बैक टू दी बॉलर लेकिन जब तक गेंद को यहां से फील की जाए क्षमा था दोनों के बाद मात्र दो ओवर का खेल शेष नहीं चले राहुल के लिए इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद अगर कोशिश करते हैं यहां पर तो क्या जरूर होता है लेकिन चार रन राहुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अपने टीम में ये देखिए और गेंद को इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से ऊपर काफी ऊपर 6 रनों के लिए हेलीकॉप्टर शॉट था भाई हेलीकॉप्टर शॉट था जी हां भी छोड़ने खास करके जब क्या चाहता है तो उन्हें वो छोड़ देते हैं और जले पर नमक छिड़क जाता है यहाँ बल्लेबाज सबसे बड़ी बात है यहाँ प्रिंस की बात नहीं कर रहा था कभी तो काफी उदास होंगे वो और काफी नाखुश होंगे अपने गेंदबाजों से एक जाहिद एकमात्र इकलौता गेंदबाज जाहिद जो की काफी किफायती गेंदबाजी की है आज काबिले तारीफ जी जाहिद चले महतापुर ये गेंद इस बार गेंद पूरी बॉलर जी हां शानदार कैच यहां पंटी का सर्वेट खेल रहा है तीन ओवर की गेंदबाजी की है आपने और तीन विकेट अर्जित की है क्या बात है भाई ये बहुत बड़ी बात होती है उसमें भी आप किफायती गेंदबाजी एक ओवर में 6 रन खर्च करते हैं दूसरा ओवर दिए क्रिकेट में क्यों नहीं एक जो उम्मीद था उनको अपने कैप्टन से उम्मीद पर खड़े उतरे हैं लेकिन मैं कुछ बताना चाहूंगा कि वर्तमान जो श्रृंखला चल रही है इनके जो सूत्र संचालक दिशा निर्देशक और इस कमेटी के संचालक रहे हमारे सुबोध कुमार सुना जाहिद का सामना करेंगे और नंदन बॉलर पर पिकर राजन खेला यहाँ जब तक की गेंद को फील्ड कर है कि थोड़ा बहुत अच्छी दिशा में थी और ये जा रहे हुआ थर्ड मैन एरिया में क्या करें आप क्या करें ये देखिए विक्रम तोहफे के रूप में 4 रन दिए थर्ड मैन के क्षेत्र में जो थे उनका नजरें जो है गेंद पर से हट गई जी बदले में 4 रन देना पड़ा तो मैं कह रहा था विक्रम नहीं यहाँ जितने भी खिलाड़ी एक बार चले
ये गेंद इस बार गेंद को खेला लॉन्ग के क्षेत्र में, गेंद को फील कर लीजिए जरूर की कोशिश की है, गलत दिशा में शॉट खेला है। इसी बीच देखिए अजमने नजर लीजिए इस बार तो लगभग फिर से सफलता पाई तो सफलता पाई, ये छक्का उनका मैनेज कर दे जाहिद फिलहाल राहुल के लिए चले और लीजिए पुनः छक्का उसी दिशा में और लीजिए क्या कह रहा है पॉइंट क्षेत्र में गेंद जब तक फील्ड कर हरा के एक रन जरूर बनाया यहां नंदन के द्वारा उसे विनिंग मैन दोहरा दिया और यहां मौका है खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं और देखते हैं एक सफल कैच अर्थात एक बड़ा विकेट तो विकेटों का संख्या यहां जरूर 8 होता हुआ लेकिन जो रन गति है 270 वो कम नहीं है भाई। तो गेंद अक्टूबर में आनंद की परीक्षा हो रही है और लीजिए इसमें फ्लिक जरूर किया है स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है जब तक गेंद फिट करे कैप्टन वापरी 70-71 का जो लक्ष्य वो आसानी हो रही थी भी ये गेंद और संभवतः इस ओवर की और नकलों की फिर से कोशिश